इसराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध के बीच महाराष्ट्र के पुणे से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। एक हादसा हुआ है, हेलीकॉप्टर हादसा ये है जहां बाबधन के पास में एक हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी और उड़ान भरने के फौरन बाद देखे किस तरह से ये क्रैश हो गया। कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं दमकल विभाग के साथ ही प्रशासन की टीम भी अब मौके पर पहुंच चुकी है। राहत और बचाव के काम में तेजी से जुटी हुई है। हालांकि 3 लोगों को इस हेलीकॉप्टर क्रैश में अपनी जान गंवानी पड़ी है। मौके की ये तस्वीर देखिए, बताने के लिए काफी है कि किस तरह से इसी जगह पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और उसकी धज्जियां किस तरह से उड़ चुकी हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता जुड़ गए हैं, हम सीधे उनका रुख करेंगे। विवेक, क्या जानकारी मिल रही है इस हेलीकॉप्टर हादसे से जुड़ी हुई? पूरे दिन आपको बताना चाहेंगे कि आज सुबह तकरीबन 8:30 बजे के आसपास एक प्राइवेट चॉपर है वो उड़ान के लिए भरा था। बताया जा रहा है कि उस हेलीकॉप्टर में तकरीबन 3 लोग सवार थे। ये जो हेलीकॉप्टर था उड़ान भरने के बाद ही तकनीकी उसमें खराबी आई और जो पायलट था वो उस पूरे हेलीकॉप्टर को कंट्रोल नहीं कर पाया और हेलीपैड से कुछ ही दूर जाकर ये पूरा चॉपर है वो क्रैश हो गया। क्रैश होने के बाद पूरे चॉपर में आग लग गई और आग लगने की वजह से जो हेलीकॉप्टर में 3 लोग मौजूद थे उनकी मौके पे ही मौत हो गई है। बाकी राहत के लिए जो इलाके में यहाँ पे चॉपर है वहाँ पर पुणे फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस और बाकी जो प्रशासन है वो पहुँच रहे हैं। पूजा, विवेक, इस बीच ये जानकारी क्या मिल पा रही है कि आखिर कौन वो लोग थे जिन्होंने अपनी जान गंवाई है? कितने लोग बैठे हुए थे? रेस्क्यू का काम क्या अब भी जारी है? सभी ने देखिए अभी मौके पे ही टीम पहुंच रही है, लेकिन जो प्राइमरी से जो जानकारी हमें मिल रही है उसमें लोग सवार थे और जिस तरीके से ये जो हादसा हुआ है, जो विजुअल सामने आए हैं, पूरे चॉपर आग की लपटों में था, पूरे चॉपर में आग लग चुकी थी। 3 लोगों की मौत इसमें भी आधिकारिक जानकारी मिल रही है। बाकी जो टीम है, जो पुलिस है और जो रेस्क्यू टीम है वो मौके पे पहुंच रही है, लेकिन जो प्राथमिक जानकारी मिल रही है कि चॉपर उड़ान भरते जब उड़ान भरा था तो सिर्फ 3 लोग ही मौजूद थे। अब कोशिश की जा रही है कि चॉपर में जो आग लगी उसे किसी तरह से कंट्रोल किया जाए और जो लोग अंदर फंसे हुए थे उन्हें किसी तरह से निकाला जाए। ठीक है विवेक, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। ये एक प्राइवेट चॉपर था जो हादसे का शिकार हुआ और 3 लोगों की इसमें जान चली गई।